एनबीसी न्यूज में सुबह की खबरें, देश विदेश की खबरें, सभी खबरें एक साथ। उद्धव ठाकरे और शिवसेना प्रवक्ताओं के साथ बनाएंगे रणनीति, संजय राउत की गिरफ्तारी पर दे सकते हैं जवाब। शिंदे गुट के विधायक उदय सामंत ठाकरे समर्थक पर शिवसैनिकों का हमला, केस हुआ दर्ज। महाराष्ट्र में तीन बिजनेसमैन के ठिकानों पर आईटी रेड, राम मंदिर के लिए दे चुके हैं करोड़ों का चंदा, तीनों बिजनेसमैन स्टील उद्योग से जुड़े। महाराष्ट्र एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, टेरर फंडिंग मामले में एक संदिग्ध हुआ गिरफ्तार। एमपी में दूर होगा बिजली संकट, ओंकारेश्वर बांध पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट। चीन की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिकी संसद के स्पीकर नैंसी पेलोसी ने किया ताइवान का दौरा। चीन ताइवान के बीच हुआ युद्ध तो दुनिया करेगी त्राहिमाम, हो जाएगी बहुत सी चीजों की किल्लत। देश में कोरोना संक्रमण दर 11.64%, सामने आए 2000 केस। कॉमनवेल्थ गेम 2022 पुरुष हॉकी में भारत ने कनाडा को बुरी तरीके से हराया, 8-0 से की जीत हासिल। जुलाई महीने में रूस बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला सप्लायर देश।